मैं जो ढूंढ रही हूँ वो तुम्हारे पास है। रख लो इसे। तुम्हारी कोट में नहीं, तुम्हारी बॉडी में है। अब बस। मिस्टर पान, शाओची सिर्फ आपसे मजाक कर रही है, नाराज मत होइएगा। मैं आपको बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। बाहर निकलो। अरे गुस्सा मत हो ना, मैं तुम्हारा फेवर ही तो मांग रही हूँ। वो घोषणा यंत्र मेरे लिए बहुत जरूरी है। आज और अभी से आप मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है? ठीक है, जाती हूँ मैं। अब शाओची, मिस्टर फांग, यहाँ से उसका घर बहुत दूर है, उसे अकेले यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। तुम बस अपने काम से काम रखा करो, ठीक है? माफ कीजिएगा। घर उसके ही का। अच्छा, सच में छोड़ के जा रहे हो क्या? ये कौन सी जगह है? घर उसके ही का मतलब ही। इसे ध्यान से देखो फांग, और सोचकर बताओ कि क्या तुमने तूफान से पहले इसके साथ कुछ नहीं किया था? नहीं, ये सिर्फ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। नहीं नहीं, लास्ट बारिश में सिर्फ वही लड़की तुम्हें याद थी, इसका मतलब ऐसा दोबारा भी हो सकता है। कैसा रहेगा अगर शाओची को यहां बुलाएं? शायद उससे हमें कुछ पता लग सकता है। नहीं, आखिरी बार चाहे जो हुआ हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो मुझे दिखाई भी दे। और एक बात और जान लो तुम लोग, उसके और मेरे बीच कुछ नहीं है, इसलिए उससे मदद मांगना बेवकूफी होगी। जानता हूँ, मेमोरी रिस्टोर करने के लिए तुम्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। शाओची ही तुम्हारी मदद कर सकती है, इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, यू नीड ट्रीटमेंट। वो सबके सामने दिन दहाड़े जिस तरह से मेरे साथ पेश आई है, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता हूँ। और तुम चाहते हो मैं उसे मदद मांगू? बहुत हैरानी की बात है, जागने के बाद आपने सिर्फ दो दफा उसे देखा है, ऐसा क्या हो गया जिसे आप इतनी नफरत करने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे लगता है उस लड़की के लिए बचपन से ही आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। याददाश्त खोने से पहले आप उसे पसंद करते थे, लेकिन याददाश्त खोने के बाद आप उसे नफरत करने लगे। मेडिकली हम इसे वो सबकॉन्शियस एक्ट कहेंगे कि कहीं प्यार ना हो जाए, इस डर से शायद आपने जानबूझकर इग्नोर करना शुरू कर दिया। डॉक्टर जहांग, आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने कहा था सिर्फ अंदाजा है मेरा, और वैसे भी तुम किसी एंगल से नॉर्मल नहीं हो, तुम्हारा इलाज करने के लिए भी कुछ अब नॉर्मल तरीके ढूंढने पड़ेंगे, राइट? मुझे लगता है छोटे छोटे कदम लेकर आज का कंसल्टेशन यहीं खत्म होता है। क्या लगता है, मिस्टर फांग बदल गए हैं? हाँ, आज वो कुछ महीने पहले जैसे दिखाई दिए, आज उनमें कोई फीलिंग्स नहीं दिखी, बहुत सीरियस थे, समझ भी नहीं आता क्यों। जब से शाओची इनकी जिंदगी में आई है, मिस्टर फांग के बिहेवियर में काफी चेंज आया है। वो कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन हमेशा हंसते थे, लेकिन आज जानते हो उन्होंने पहले जैसा बिहेव किया शाओची को बीच रास्ते में गाड़ी से उतार कर। ये बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही था जब शाओची उनकी जिंदगी में नहीं आई थी। मुझे लगता है शाओची को वो पूरी तरह भूल चुके हैं, उसके साथ है सारे चेंजेस भी खत्म हो गए हैं। कुछ भी करके उन्हें पहले जैसा करना होगा, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हारा मतलब? हाँ, हमें शाओची की हेल्प चाहिए, सिर्फ वही मिस्टर फांग को ठीक कर सकती है। आई अग्री। कितनी दूर चलना पड़ा, थक गई हूँ आज तुम्हें। डॉक्टर जहांग, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मिस्टर फांग ने तुम्हें हाईवे पर छोड़ दिया था। आप उससे मिलकर आ रहे हैं इस समय? वो बिल्कुल बदल चुका है, पागल हो गया है, पता नहीं क्या हुआ उसे। वाकई उनमें काफी बदलाव आ गया है, लेकिन जैसा तुमने कहा वो इतने भी अजीब नहीं है। पिछले दिनों तुमने उनकी बहुत मदद करी है, शायद कुछ बातें बताने का ये सही टाइम है। आइए बैठकर बात करते हैं। क्या कहा कि वो? रिलैक्स, वरना बाकी लोग भी सुन लेंगे। लेकिन वो मैं फंग ले।
ऐसा कैसे हो सकता है उसके साथ? उसने तो इस बारे में कभी नहीं बोला मुझे। वो अपनी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताता। जरा सोचो, वो अपनी जान तक दे देगा लेकिन तुमसे कुछ नहीं कहेगा। बहुत चाहता है वो तुम्हें। वो मुझे नहीं चाहता, वो तो सिर्फ इलाज के लिए आया था मेरे पास। असलियत में आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। कोशिश करो, जरा सोचो, याददाश्त खोने से पहले क्या कोई अजीब सी हरकत उसने की थी? अजीब सी? याद आ गया, बारिश से पहले। एक्सक्यूज मी सर, ये केक हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश है, सबको पसंद आती है, तो क्या आप इसका टेस्ट लेना चाहेंगे? और जानते हैं, इसका एक स्पेशल नाम भी रखा है हमने, यू आर सो हैंडसम। थैंक यू मैम। अरे क्यों मारती हो? बड़ी अजीब है। बारिश से पहले मैं उसके साथ बाहर जाना चाहती थी पर फेल हो गई, और बाद में जब फांगली ने मुझे किस किया तो ये सब देखकर फांगलिंग वहां से चला गया। क्या, फांगली ने किस किया? पर मिस्टर फांग, इसमें आपके मेमोरी बैंक का डाटा है, बहुत सी खास बातें पता चली हैं इससे। यह पहली बार था जब शाउची आपके घर आई थी। यह कैसे पॉसिबल है? मेमोरी बैंक के डाटा को मिटाया नहीं जा सकता। मैं दूसरी लगाता हूं। और बाकी डेटा, वो भी डिलीट हुए हैं? नो, यहां लाने से पहले मैंने नहीं चेक किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इनमें। मालूम नहीं शाउची का डाटा कैसे खो गया। तुम्हें यकीन है मेरी याददाश्त जाने से पहले मैंने खुद ही उसका डेटा डिलीट नहीं किया था? इम्पॉसिबल, आप रियली शाउची की केयर करते हैं। रहने दो, अगर पूरा डेटा होता तो भी मुझ में पेशेंस नहीं है अब। अगर मुझे उसे जानना होगा तो मैं खुद देख लूंगा। बाकी डेटा चेक करो। श्योर। सुनिए, मिस चाय यहां पर नहीं है। तुम यहां कैसे? मैं मिलने आया हूं तुमसे, एक बॉयफ्रेंड की तरह। अरे आज इसे ये क्या हो गया है? तो तुम मुझसे यहां पर कई बार मिलने आया करते थे, समझे? जानता हूं मैं, पर मैंने तुम्हारे लिए और भी तो बहुत कुछ किया होगा। तुम मुझे रोज ऑफिस के लिए लेने आते थे, और फिर रोज शाम को मुझे छोड़ने भी आते थे, और रोज सुबह मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाते थे, और रात को मुझे डिनर पे ले जाते थे। तुम मुझे राजकुमारी की तरह ट्रीट करते थे तब। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हम कभी झगड़ते नहीं थे। तुम जानती हो मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करता था? बिल्कुल जानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। तुम अपना सारा दिन मुझे देखने में ही निकाल देते थे। तुम कहते थे मैं बहुत सुंदर हूँ, और तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, और तुमने कहा था कि तुम अपनी सारी लाइफ सिर्फ मेरे साथ बिताना चाहते हो,
जबकि मुझ में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहते थे। अब कुछ याद आया तुम्हें? वो सब हो चुका, अब मैं उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। लेकिन क्यों? बस ऐसे ही, और मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान रखो, अब हम दोनों एक साथ नहीं हैं। पर पहले तो तुम मुझे बहुत पसंद करते थे, और अब तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते, दूसरा मौका मिलने के बाद भी। बिल्कुल सही है। तो ये है जो तुम मेरे बारे में सोचते हो? तो अब तक तुम मेरा फायदा उठा रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी नहीं है, वैसे भी मैं ब्रेकअप नहीं करूंगी। क्यों, तुम मान क्यों नहीं जाती? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और क्या? चाहे शाओची, चाहती क्या हो तुम मुझसे? पैसा, स्टेटस या कुछ और? जब तक मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा, तब तक तुम मुझे परेशान करोगी। तुम जानते हो, तुम सिर्फ हमेशा से ही अपने बारे में सोचते हो, अकड़ू, जिद्दी, और उस वक्त सिर्फ मैं जानती थी तुम्हें। तब तुम किसी की फीलिंग्स नहीं समझते थे, माना कि बदल गए हो अब। जानती हूँ कि तुम बहुत जिद्दी हो, फिर भी मैं साथ रहना चाहती हूँ। जितना तुम जिद्दी रहोगे, उतना ही मैं तुम्हें बदलूंगी। शाओची, खुद पर इतना भरोसा करना अच्छा नहीं। मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बदलने वाला नहीं। पर एक बार कोशिश तो करो। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ। मैंने जो कहा उसके बारे में सोचो। अगर तुम चाहो तो 3 दिन ले सकती हो। तुम्हारे बिना तो घोषणा यंत्र मिल ही नहीं सकता, और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी पावर से तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। यहीं रुको। रुको रुको रुको, देखो मुझे, तुम्हारे लिए देखो मैंने क्या पहना है। कुछ याद आया तुम्हें? देखो। अब और क्या चाहती हो तुम? एक मिनट रुको, इस डिब्बे को देखो, इसमें तुम्हारा खाना आया करता था। कुछ याद आया तुम्हें? कितना हुआ? तुम्हें याद आया? 38.50 रुपए। तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे सिर्फ। मेरा मतलब था मुझसे दूर रहने के लिए कितना लोगी। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। ये तुम्हें क्या हो गया? कोई फीलिंग्स ही नहीं रही तुम्हारे दिल में। ले जाओ इसे। फांगले, बात तो सुनो। निशाओ जी, बॉस को डिस्टर्ब कर रही हैं आप, इसे कुछ नहीं होगा, आप प्लीज वापस जाइए। मुझे कुछ और ही रास्ता निकालना पड़ेगा, इससे भी बड़ा कुछ सोचना पड़ेगा फांगली की याददाश्त करने के लिए। रुको रुको, क्या कर रही हो तुम? मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। क्या कहा? छोड़ो मुझे, ऐसे होती है हेल्प? अब तुम इसे पहनो। ये क्या हो रहा है? आज ये काम क्यों नहीं कर रहा? प्ष,
ठीक हो तुम? उठो 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 फांगलिंग। ओह माय गॉड, कुछ गलत हो गया। फांगलिंग, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रही थी, ये कैसे हो सकता है? फांगलिंग, तुम मुझे सुन सकते हो ना? फांगलिंग, तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें मेरी मदद क्यों करनी थी? वो मैं जानती हूँ तुम बीमार हो। किसने बताया तुम्हें? तुमने ही तो बताया था कि तुम बीमार हो और तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। क्या तुम भूल गए हो? तुमने कहा था कि मैं ही तुम्हें याद हूँ। तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, तो बताओ अब, मैंने कभी प्यार किया तुमसे? नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पहले तुमसे झूठ कहा था। तुमने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं सुंदर हूँ, और ना ही कभी मुझे दिल से प्यार किया। मैं तो सिर्फ हमेशा से ही तुम्हारे लिए खिलौना ही थी। मेरे लिए तुम फील नहीं करते थे, और आज भी लाइक नहीं करते। हाँ, मुझे पता होना चाहिए था तुम झूठी हो। माना कि मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन मैं, क्योंकि तुमने कभी ना कभी मेरी मदद की है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जाओ अब, हम साथ नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी कुछ एहसान है मुझ पर? अच्छा, अगर मेरा पीछा छोड़ दो तो जो तुम कहो। लेकिन जो चाहिए वो तो तुम्हारे दिल में है। पागल हो गई हो? थोड़ा थोड़ा। क्या मेरे लिए फिर से दिल धड़क रहा है? वादा करती हूँ इसके मिलते ही चली जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सच में ये तुम्हारे दिल में है? मैं नहीं जानता हमारे बीच क्या था, पर अभी मैं तुम्हें याद भी नहीं रखना चाहता हूं। जाओ यहां से। शौचिकर, फुआ छुट्टी पर है, नहीं आएंगी। तुम्हें पता है क्यों नहीं आई? पता नहीं। शायद इसलिए कि मैंने उसे किस कर लिया था। हो सकता है वो मुझसे मिलना ना चाह रही हो। पर नहीं, उसने कहा था उसने बिल्कुल माइंड नहीं करा। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ उसके साथ? हेलो, क्या तुमने मुझे यहाँ पर सिर्फ परेशान करने के लिए बुलाया है? क्या कोई और पेंटिंग्स अप्रिशिएट नहीं कर सकता? और वैसे भी ये तुम्हारी फेवरेट जगह हुआ करती थी। जल्दी बोलो, क्यों बुलाया? मैंने सुना फांगलिंग ने शाओची का ट्रांसफर कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तुम्हें ये पता था और तुमने मुझसे छुपाया। इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो उससे क्या होता? मैं जानती हूँ तुम मुझे ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहते, है ना? फांगली, शाओची को फायर कर दो
जब तुमने सफायर केस को एक्सपोज किया था तब मैंने तुम्हारी मदद की थी। बिना किसी गलती के उसको क्यों निकालना चाहती हो? उसकी क्वालिफिकेशन और एबिलिटी के हिसाब से उसे तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए। और तो और, उसने किया है क्या है यहाँ आकर? सिर्फ फांगलिंग को परेशान। तुम उसे गलत समझती हो। और अब भाई से भी उसकी बातचीत नहीं है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। तुम नहीं जानते कि मुझे कैसा फील हो रहा है। सिर्फ मुझे फांगलिंग के साथ होना था। अगर वो ना होती तो उसने मुझे रिफ्यूज ना किया होता। इस सब की वजह? मैं सिर्फ और सिर्फ वही कर रही हूँ जो उसने अब तक मेरे साथ किया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता अगर भाई वाकई तुमसे प्यार करते। क्या लगता है तुम्हें कि मैं बस एक पत्थर दिल हूँ जो उसके जज्बातों के साथ खेलना चाहती है? बोलो। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हें चिंता है शाओची की? तो मैं उसे कहीं एक नई जॉब दिला दूंगी। और मेरा वादा है उसे कुछ नहीं होगा अगर वो फांगलिंग को छोड़ देती है। सिर्फ अपने फायदे के लिए मैं भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहाँ क्यों आए? आज तुम ऑफिस में एब्सेंट थी, राइट? पूछने आया हूँ कि आज तुमने यहाँ पर क्या क्या किया। आज मैंने नौकरी से निकालना है। पर क्यों? आपने ही तो उसे रखा था जॉब पर। और हमारी कंपनी की तरफ से उसे ढंग का कॉम्पनसेशन दो, देखना कुछ कमी ना रहे। और मुझसे उसकी बात मत करना। लेकिन मैंने कहा ना उसकी बात मत करना। आप किसकी बात कर रहे हैं? तुम यहाँ कैसे? मैं तो सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ ये जानने के लिए कि आप सबको प्रॉब्लम क्या है। बेवजह आप सब शाओची को इस ऑफिस से आखिर क्यों निकालना चाहते हैं? और कौन चाहता है? है एक लड़की बिल्कुल आप ही की तरह। अच्छा भाई एक बात बताओ, क्या उसकी हरकतों की वजह से आप उससे नफरत करते हैं? उसे फायर करने के लिए मुझे अब तुमसे परमिशन लेनी होगी। शाओची मेरे डिपार्टमेंट में है, मेरे बिना उसे नौकरी से कोई और नहीं निकाल सकता। तुम्हें पसंद है वो? बिल्कुल। मैं शाओची को यहाँ रखना चाहता हूँ, हर रोज उसे देखना चाहता हूँ। और अगर वो नहीं दिखी तो मैं भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं भी किसी काम का नहीं हूँ। अगर आप उसे नौकरी से निकालोगे मैं भी कंपनी छोड़ दूंगा। ठीक है, आप मान गए। तो तुम भी फायर किए जाते हो? एक लड़की के लिए करियर दांव पे लगा सकते हो तो तुम्हारे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? तो सोच लो और रेजिग्नेशन पहुंचा देना। भाई क्या बात है?
आज तुमने मुझे क्यों बुलाया? बताता हूँ, फांगलिंग की शाओची के साथ लड़ाई हो गई है। क्या वो एक दूसरे को प्यार नहीं करते थे? ये मैं भी नहीं जानता, बट अकॉर्डिंग टू पर्सनल डिपार्टमेंट फांगलिंग शाओची को निकालना चाहता है और फांगली इसके लिए तैयार नहीं है। सिचुएशन अच्छी नहीं है। इस मैटर में फांगली कहाँ से आ गया? उसका क्या लेना देना? कंपनी का डायरेक्टर होने की वजह से कोई भी फांगली को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारे लिए ये बात अच्छी हो सकती है। मतलब क्या है? फांगलिंग पे हमला करें, मौका मिलते हैं? शाओची जरूर कुछ सीक्रेट जानती होगी फांगलिंग की लाइफ से जुड़े। अगर वो सचमुच कुछ जानती है तो हमें शाओची से बात करनी चाहिए उन सीक्रेट्स के बारे में। रुको रुको, ऐसा करने की जरूरत नहीं। उसके मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम अपने ही जाल में फंस जाएंगे। ये काम हम खुद नहीं करेंगे। भूलो मत, फांगलिंग गॉसिप मीडिया के फेवरेट है। मीडिया के कुछ हेडलाइंस के साथ ये एक बहुत बड़ी बात बन सकती है। इस मौके का सहारा लेकर हम खुलासा कर सकते हैं। अपनी एम्प्लॉई और गर्लफ्रेंड का त्याग, मानती हो ना? यह हेडलाइन बहुत ही शानदार होगी। हे, हेलो। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? जानते हो, जब मैं ऊपर गई तो ये एम्प्लॉयज कार्ड इनवैलिड हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे नौकरी से निकाल दिया। गलत सोच रही हो, तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला गया है। मेरा कार्ड ले लो। तो फिर तुम क्या करोगे? चिंता मत करो, सारा स्टाफ मुझे जानता है, मुझे कोई नहीं रोकेगा। कोई बात नहीं, मैं बिना कार्ड के आ सकती हूँ। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरे साथ रहो। हम जो मिस्टर सन से मिलने गए थे, उन्होंने परफ्यूम के सैंपल्स भेज दिए हैं, क्यों ना हम साथ चलकर चेक करें? ओके। कुछ ही दिन में उस प्लान को दोबारा से प्रेजेंट करना है। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फांगली, डोंट वरी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं परेशान हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी भी हार्डवर्क करूंगी। ये मत भूलो, मैं इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी जादूगरनी हूँ। हाँ? ठीक है, ठीक है। आ जाइए। मिस्टर फांग, आपकी चाय। बहुत दिन हो गए हमें मिले, क्या आप मुझे भूल तो नहीं गए? मिस जियांग, मजाक मत कीजिए, और ये चाय मैं नहीं ले सकता। आप आजकल काफी बिजी दिखते हैं, मैंने सुना शाओची ने काफी परेशान किया। तो आप जानती हैं। भूलिए मत, आप मुझे हर बात बताया करते थे। शाओची ही नहीं, मैं तो शायद आपके सीक्रेट्स तक जानती हूँ। मेरे तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? वो सीक्रेट जो शायद मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। मुझे पता है आपकी याददाश्त चली गई थी और मैंने सबसे छुपाए रखा। आप भूल गए थे जब मैं आपके घर आई थी, इसलिए मैंने आपके पेरेंट्स से कुछ कहा नहीं। कुछ याद आया? आपको कैसे पता चला? मैं बस कहना चाहती थी, आपको मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, मैं बस आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, आप बस इसे एक्सेप्ट कर लें। मेरी मदद? फॉर एग्जाम्पल शाओची, अगर आप चाहें तो मैं उसका इंतज़ाम कर दूँगी। मुझे बस यही कहना था। मिलते हैं मिस्टर फांग, मुझे भूलिएगा नहीं। क्या हुआ मिस्टर फांग?
किसी ने इस बात का खुलासा किया है कि आपका और शाओची का ब्रेकअप हो चुका है। आपके आईपैड पर सारे फोटोग्राफ फॉरवर्ड कर दिए हैं। नेटवर्क मीडिया की तरफ से न्यूज आई है हमारे पास। किसने पब्लिश किया ये? ये फोटोग्राफ तब लिए गए थे जब आप शाओची की मदद कर रहे थे। आप दोनों के बारे में मीडिया में पहले कभी नहीं आया। फिर आज ये सब मीडिया को कहां से पता लगा? शाओची अभी कहां है? शायद कंपनी में होगी। ले 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 यहाँ पे रखो। ये सैंपल्स हैं। परफ्यूम्स के बारे में मैं बहुत ही कम जानता हूँ। बिजनेस प्लानिंग में हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? ये बहुत ही आसान है। लोग वही परफ्यूम लेते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और उन्हें बहुत अट्रैक्ट भी करती है, समझे? और हमें एक ऐसा फ्रेग्रेंस ढूंढना है जो हमारी हार्मोन्स को अट्रैक्ट करे, तो ये परफ्यूम सक्सेसफुल होगा। शाओची, मुझे नहीं पता था तुम्हारी सोच इतनी गहरी है। तुम एक बात मुझे बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा परफ्यूम लोगों को पसंद आएगा? क्योंकि मेरी नाक अच्छे से काम करती है। ये वाला राइट। परफ्यूम्स का नाम हार्मोन रखेंगे और मेरे खास डिजाइन के साथ ये परफ्यूम बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। ऐसे ही होगा। कुछ टाइम मिलेगा? शाओची से बात करनी है। भाई, मैंने आपको बोला था, इसको मत निकालिए। ये उस बारे में नहीं है। बाहर जाओ। फांगली, डोंट वरी, जाओ। मेरी साइड मत लो, मैं इनसे नहीं डरती। तो तुमने अब क्या सोचा? तो मैं ये तुमसे कब ले सकती हूँ? तो अब तुम चाहती क्या हो? तुम मुझे धमकाना चाहती हो? ये सब तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने तुम्हें कब धमकाया? हमारे ब्रेकअप के बारे में तुमने मीडिया को बताया। अब मुझसे बेकार की बातें मत करो। मैं शरारती हो सकती हूँ पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। मैंने मीडिया को नहीं बताया। और मैं कैसे मान लूं ये? मैंने सच में कुछ नहीं किया। अब ध्यान से सुनो, आज से तुम हमारे बारे में किसी से कोई भी बात नहीं करोगी शाओजी, ठीक है? इडियट कहीं का, खड़ूस कहीं का, समझता क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज हो गई है? अभी नहीं, क्या मुझे ही अरेंज करना है? जितना जल्दी हो सके, इससे पहले कि मीडिया बात का बतंगड़ बनाए, हमें मामला काबू करना है। ठीक है। शाओची वापस आ गई। ये देखो, ये खबर देखो। मुझे नहीं देखना। अरे रुको रुको, ये खबर तुम्हारे और फांगलिंग के बारे में है। देखो सर, प्रेसिडेंट फांगलिंग ने एक बार फिर से एक महिला स्कैंडल को अंजाम दिया है। लड़की उनकी कंपनी की ही कर्मचारी है। एक लंबे समय से उनका अफेयर भी चल रहा था। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि हाल ही में वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं। एक और नया सदस्य फांगलिंग की पूर्व महिला मित्रों की सूची है। ऐसा लगता है वास्तव में ये तो सेलिब्रिटी बन गए हैं। ये तो एक झूठी खबर को सच बता रहे हैं। ये सच है। क्या बोला? सचमुच ब्रेकअप हो गया है? ये भी कहा जा रहा है कि फांगलिंग कल एक इवेंट में हिस्सा लेंगे। उस समय हमारा वेबकास्टर आपके लिए और समाचार लाएगा। खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आखिर तुम वापस आ गई, मुझे खाना चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें शाम के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। फांगलिंग को कल मीडिया के सामने आना है और मुझे उसकी हेल्प करनी है। उसने हमारा घोषणा यंत्र भी नहीं दिया, उसकी क्या मदद करनी? दिमाग खराब है तुम्हारा। ये षड्यंत्र हम दोनों के लिए रचा गया है। हालांकि मैंने उसके लिए कुछ गलत नहीं किया, ये सब मैंने अपने लिए किया है। Thank you very much. चलिए मैं बाद में बात करता हूँ।
सॉरी आई एम लेट, ज्यादा वेट किया? चले जरा रुको, तुम्हें सच में मदद नहीं चाहिए? वापस जाओ। फांगलिंग, शाओचिया हमारे लिए आई है तो उसे इस तरह मना करना ठीक नहीं होगा। शाओची, अगर तुम बुरा ना मानो तो हमारे साथ आ सकती हो। अंदर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, उसे इन्वॉल्व करना ठीक नहीं। वैसे भी मेरा नाम जुड़ा हुआ है। रिपोर्टर्स यहाँ स्कैंडल के लिए आए हैं। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम सब कुछ एक्सप्लेन कर सको? और वैसे भी तुम्ही ने तो किया है ये सब कुछ। मैंने कहा था उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। तो ठीक है, अपना रिश्ता मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मैं जिनके साथ काम करता हूँ उनके साथ रिश्ते नहीं बनाता। आप सवालों को टाल रहे हैं, आप हमें बताते क्यों नहीं? फांगलिंग और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज मैं यहाँ उनका साथ देने के लिए आई हूँ, और वो शाओची है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है, और मुझे लगता है आपको उनसे जरूर मिलना चाहिए। चलो चलो वहाँ चलो, वहीं शाओची के पास चलते हैं। आजा वहीं। शाओची अगर मुझे अच्छे से याद है तो शाओची आप एक डिलीवरी गर्ल हुआ करती थी ना, तो आपने हेल्प ग्रुप कैसे ज्वाइन किया? हमें पूरी कहानी बताइए। लोग आपको देख रहे हैं, आपसे जवाब मांग रहे हैं, आप जवाब दीजिए। एक्सक्यूज मी, क्या उन्होंने जो कहा वो सच है? बस करो, बस करो।